सच को झूठ बताना और उसी झूठ को बार बार दोहराना, इसे कोई सच झूठ तो नहीं बनता लेकिन विवादित जरूर हो जाता है। और इसका सीधा प्रभाव जहां सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो है भारतीय इतिहास और उसमें शामिल कुछ व्यक्तित्व। भारत के इतिहास में ऐसे कई तथ्य हमेशा ही कटघरे में दिखाई देते हैं, चाहे वो तथ्य किसी शासक के महानता को लेकर हो या किसी क्रांतिकारी के देश प्रेम, त्याग और समर्पण को लेकर। ऐसे ही इतिहास का एक क्रांतिकारी जिसको लेकर आज भी सबसे ज्यादा विवाद होता है वो है वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। यह एक ऐसे शख्सियत हैं जिससे लोगों की काफी उत्सुकता जुड़ी हुई है। शायद तभी ये नारद टीवी के दर्शकों द्वारा सबसे ज्यादा मांग किए जाने वाले विषयों में से एक है। तो आज हम इसी क्रांतिकारी के जीवन गाथा के साथ उस इतिहास के पन्नों पर भी प्रकाश डालेंगे जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वीर सावरकर से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास श्रृंखला इतिहास के पन्नों से। भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी का दर्जा उन्हें ही दिया जाता है जो ब्रिटिश हुकूमत के आगे अपनी आवाज बुलंद कर पाए। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी शामिल हैं। लेकिन विनायक दामोदर सावरकर ने उस वक्त बगावत के सुर छेड़े थे जब इन क्रांतिकारियों ने हिस्सा नहीं लिया था। तो आपको ले चलते हैं इतिहास की ओर। 1857 के दशकों बाद जब क्रांति की आग ठंडी पड़ चुकी थी तो उसे पुनर्जीवित करने वाले सावरकर ही थे। ये उन्होंने कब और कैसे किया इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये उस भारत की तस्वीर थी जब 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत पूरी तरह गुलामी के बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और भारत के लोगों ने इस पराधीनता को ही अपनी किस्मत मान लिया था। उसी दौरान की एक घटना है जब महाराष्ट्र में महामारियों का दौर आ गया था। इसी महामारी ने सावरकर से उनके माता पिता का साया छीन लिया। बेहद कम उम्र में अपनी माता के निधन के बाद इन्होंने 1899 के प्लेग महामारी में अपने पिता को भी खो दिया। 1897 में फैला प्लेग महामारी महाराष्ट्र के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। लगभग आधी आबादी इसके प्रभाव में आ गई थी। अनाज और राहत सामग्री के जमाव से प्रदेश में भुखमरी जैसे हालात हो गए थे। उसी समय ब्रिटिश सरकार ने एक SPC का गठन किया और WC रैंड को पूरे की समिति का आयुक्त बनाया, परंतु रैंड ने इसके निवारण के बजाय मनमानी करना शुरू कर दिया, जिससे आहत होकर चोपकर भाइयों ने 22 जून 1997 को रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इन दोनों भाइयों को फांसी दे दी गई। बस यही वो वाक्या था जिसने एक 14 साल के साधारण बालक को एक क्रांतिकारी बना दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस आक्रोश ने ही आगे चलकर दामोदर सावरकर को वीर सावरकर बनाया और उन्होंने खुद को स्वराज्य के लिए समर्पित कर दिया। भारतीय इतिहास में इनके योगदान से पहले शुरुआत करते हैं इनके शुरुआती जीवन से। विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था। उनकी माताजी का नाम राधाबाई तथा पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके दो भाई गणेश व नारायण दामोदर सावरकर तथा एक बहन नैनाबाई थी। और जैसा कि हमने बताया कि इनके बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिससे इनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने न सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी संभाली बल्कि परिवार को अच्छी शिक्षा मुहैया करवाई, यानी एक आदर्श भाई के सभी कर्तव्यों का निर्वहन किया। हमारा ये बताने का उद्देश्य यह भी है कि वीर सावरकर अपने बड़े भाई गणेश के जुझारूपन से बहुत प्रभावित थे और किसी आवेश में आकर कोई कदम उठाने के बजाय रणनीति बनाकर योजना को अंजाम देने में विश्वास रखते थे। और जैसा कि हमने बताया कि इनके चोपकर भाइयों की घटना ने इनके मन में क्रांति का बीज बो दिया था, जिसे वो अपने कॉलेज के समय में ही साथी नवयुवकों में राष्ट्रीयता और क्रांति भावना जगाया करते थे। और ऐसे ही कुछ लोगों को संगठित कर इन्होंने 1904 में अभिनव भारत मिशन की स्थापना की। 1905 के बंगाल विभाजन नीति के ये घोर विरोधियों में शामिल थे और इसके बाद स्वदेशी आंदोलन पर इन्होंने काफी जोर दिया। भारत में स्वदेशी आंदोलन की नींव भी सावरकर ने ही रखी थी, जिसे पूरे देश से समर्थन मिला। उनके साथ इस आंदोलन में अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नाम शामिल थे, जो स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्घोषक माने जाते हैं। आगे चलकर यही स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का भी केंद्र बिंदु बन गया। उन्होंने इसे स्वराज की आत्मा कहा। आपको ये पता होगा कि आज कुछ राजनीतिक पार्टियां सावरकर को अपने नायक और अपने आदर्श के तौर पर देखती हैं, लेकिन भारत की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी इन पर हमेशा ही निशाना साधती रहती है और इस नाम को विवादित बनाए रखने की कोशिश करती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है सावरकर का कांग्रेस विरोधी होना। सावरकर एक वक्त कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधियों में से एक थे, लेकिन ये अपने आप एक अधूरा सच है जब तक कि इसके पीछे के सभी तथ्यों को जान न लिया जाए। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 में 65 सदस्यों के साथ ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी
भी एओ ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन विचार योग्य बात यह है कि क्या आज भारतीय राजनीति में वही पार्टी सक्रिय है जो 1885 में गठित की गई थी? जी नहीं, भले ही कांग्रेस का तब से अब तक का लंबा इतिहास है, लेकिन इसकी भूमिका समय समय पर बदलती रही है। 1885 का जो कांग्रेस था वो ब्रिटिश शासन और भारतीयों के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए था, जो भारतीयों से ज्यादा अंग्रेजों की पक्षधर थी। फिर पूर्ण स्वराज्य चाहने वाला कोई क्रांतिकारी इसका समर्थक कैसे हो सकता है? और यही कांग्रेस महात्मा गांधी के बाद आजादी की लड़ाई का जरिया बनी और आजादी के बाद एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गई। वैसे तो सावरकर का पूरा जन्म ही किसी न किसी उद्देश्य को समर्पित रहा, लेकिन उनका एक कार्य जो भारत की आजादी का पूरक बना वो था जन जन में क्रांति की भावना जगाना, यानी इतिहास का वो सबसे महान काम जिसके लिए वीर सावरकर को जाना जाना चाहिए। 1857 की क्रांति, जिसे भारत की आजादी का प्रथम प्रयास माना जाता है, वही एक ऐसा महान संघर्ष था जिसे प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज के दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष जगाकर भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। लेकिन 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद ब्रिटिश शासन द्वारा इसके सभी साक्ष्य मिटा दिए गए, जिससे आम लोगों में संगठन की भावना और शासन के प्रति दोबारा आक्रोश पैदा न हो सके और विदेशी इतिहासकारों के सहारे इसे महज एक सैन्य विरोध बताया गया। लेकिन सावरकर एक ओजस्वी कवि लेखक के साथ साथ एक महान विद्यार्थी भी थे और इन्होंने देश विदेश की ढेरों पुस्तकें पढ़ रखी थी और ये फ्रांसीसी क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। ये जानते थे कि जन चेतना के लिए 1857 की क्रांति को जन सामान्य तक पहुँचाना जरूरी है। दरअसल 1857 की इस घटना को पहला स्वतंत्रता संग्राम का नाम भी सावरकर ने ही दिया था, क्योंकि सावरकर ये जानते थे कि जब भारतीय अंग्रेजी शासन से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत हो जाएगा तो स्वराज्य का सपना साकार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके लिए इन्होंने 1909 में एक ऐसी किताब लिखी जिसने भारतीय इतिहास को बदल कर रख दिया। ये अब तक का वो पहला लिखित तथ्य है जो 1857 की क्रांति के दबे इतिहास को पूरी तरह भारत और दुनिया के सामने लेकर आया। लेकिन अंग्रेज भी इस बात को बखूबी समझते थे। वो जानते थे कि अगर भारतीयों में चेतना और विद्रोह की चाहत आ गई तो उनके पास भारत छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए अंग्रेजों ने उनके इस किताब पर रोक लगा दी। ये पहला मौका था जब सावरकर ब्रिटिश सरकार की नजर में आ गए थे। सावरकर की ये किताब सिर्फ एक किताब न होकर क्रांति का एक प्रेरणा स्रोत बन गया, जिसे आगे चलकर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े क्रांतिकारियों ने भी पुनः प्रकाशित किया। इधर सावरकर ने 1904 में जिस अभिनव भारत की नींव रखी थी उसने कुछ सालों में ही विस्तार रूप ले लिया। इसमें बड़े बड़े क्रांतिवीर और राष्ट्रवादी भी शामिल हो गए। सावरकर का यह संगठन कांग्रेस के विभाजन के बाद अलग हुए गरम दल से प्रभावित था। 1 जुलाई 1909 को अभिनव भारत के सदस्य और सावरकर के मित्र मदनलाल ढींगरा ने एक अंग्रेजी अधिकारी विलियम हर्ट कर्जन वाइली को गोली मार दी, जिसके बाद मदनलाल को फांसी दे दी गई, जिसका सावरकर सहित पूरे संगठन ने विरोध किया, जिसके बाद सावरकर अंग्रेजों के नजर के साथ उनके निशाने पर भी आ गए। हालांकि सावरकर भी काफी दूरदर्शी थे, इसे भापते वो थोड़े समय के लिए पेरिस चले गए, जहां वो अपने मित्र हरदयाल और कृष्ण वर्मा के साथ आगे की रणनीति बनाने लगे। लेकिन इसी समय अभिनव भारत के एक और सदस्य ने एक जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या कर दी और अंग्रेजों द्वारा इन्हें हत्या के पिस्तौल मुहैया करवाने जैसे कई आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन्हें फ्रांस से लाया जा रहा था तब इन्होंने भागने की कोशिश की, जिसे ब्रिटिश सैनिकों की गोली का शिकार हो गए और घायल अवस्था होने के कारण ये समुद्र में तैर कर भागने में नाकाम होकर पकड़ लिए गए। इसके बाद इन्हें अंडमान के सेल्लोस जेल में डाल दिया गया, जो साक्षात नरक माना जाता था। बंद अंधेरे कमरे में सावरकर को जो यातनाएं दी गई थीं, उसके लिए महज यातना शब्द पर्याप्त नहीं है। सावरकर को मानसिक और शारीरिक रूप से जितना प्रताड़ित किया गया था उतना शायद ही इतिहास के किसी क्रांतिकारी ने सहा है। उनके मनोबल को पूरी तरह तोड़ने के लिए हर अमानवीय प्रयास किए गए। बताया जाता है कि उन्हें खाने के लिए उबले चावल का चूरा और घास की सब्जी दी जाती थी। सावरकर का मनोबल न टूटने पर उन्हें 6 माह तन्हाई में 7 दिन बेड़ियों में हाथ छत से बांध कर खड़ा और 10 दिन त्रिभुज के आकार के लट्ठों में पैर फैला कर बांध कर रखा गया था। उनसे बैल की तरह जुआ खींच कर प्रतिदिन 30 किलो तिल का तेल निकलवाया जाता था। माह में अमूमन 3 कैदियों को सावरकर की नजरों के सामने फांसी दी जाती थी, ताकि उनके मन को भय पैदा हो सके। इस तरह सावरकर ने कड़ी यातनाओं के साथ लगभग 10 साल इसी जेल में बिताया और इसी दौरान इन्होंने 6 प्रार्थना याचिका भी दी, जिसे लेकर आज विशेष विचारधारा के लोग इसके लिए इनकी आलोचना करते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे सावरकर की योजना का हिस्सा बताते हैं और आधुनिक इतिहासकार विक्रम संपत भी गहन रिसर्च के बाद ये मानते हैं कि सावरकर के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था
और किसी भी तरह जेल से बाहर आकर वो आंदोलन को किसी भी रूप से आगे बढ़ाना चाहते थे। सावरकर अपनी योजना में कुछ हद तक कामयाब भी हुए। उन्हें 21 मई 1921 को स्वदेश लाया गया, जहां उन्हें पुणे के यरवाड़ा जेल के बाद महाराष्ट्र के रत्नागिरी जेल में डाल दिया गया और जनवरी 1924 में कुछ शर्तों के साथ रिहाई दे दी गई। इसके अलावा भी सावरकर ने अनेकों ऐसे कार्य किए जो उस वक्त भारत की जरूरत हुआ करती थी। सावरकर ने जाति प्रथा को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश की और सभी जातियों को समानता दिलाने की आवाज उठाई। सावरकर का ये प्रयास महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर से भी पहले किया गया था। सावरकर क्रांतिकारियों में एक बड़ा नाम है जिनके पूरे जीवन को किसी एक वीडियो में नहीं समेटा जा सकता है, लेकिन नारा टीवी ने अपने इस वीडियो में सावरकर के उन सभी खास तथ्यों को अपने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की है जिससे इनके वीरता, त्याग, सहनशीलता और जुझारूपन को नजदीक से समझा जा सके, जो इनके व्यक्तित्व का पर्याय है। और वीरता के इसी पर्याय के कारण सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर कहा जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि आज सावरकर एक क्रांतिकारी से ज्यादा राजनीतिक विवाद का कारण बन गए हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इनकी इस विवादित छवि के काफी हद तक जिम्मेदार पूर्व इतिहासकार भी हैं, जो केवल विशेष चिन्हित इतिहास को उभारते आए हैं, वरना असंख्य क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत सावरकर का कद उनके योगदान जितना ही ऊंचा है। उनकी सोच से प्रभावित होकर ही भारत में क्रांति की ज्वाला उठी थी और वीर सावरकर से प्रभावित होकर ही सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। आज राजनीतिक पार्टियां सावरकर को लेकर जो भी मत रखती हों, लेकिन 1966 में सावरकर के इच्छा मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को महान क्रांतिकारी, सच्चा राष्ट्रभक्त और प्रखरवादी बताया था। अंत में नारद टीवी आपसे अनुरोध करता है कि हो सकता है कि आपके विचार इस वीडियो में कई बातों से मेल न खाते हों, लेकिन नारद टीवी की ये जानकारी गहन रिसर्च से ली गई है और वास्तविकता किसी भी विचारधारा पर निर्भर नहीं करती। उम्मीद करते हैं नारद टीवी के वो दर्शक संतुष्ट होंगे जो वीर सावरकर के बारे में जानना चाहते थे। अंत में एक प्रश्न भी आप सभी दर्शकों के समक्ष छोड़े जाता हूँ कि हिंदुस्तान में कब तक एक क्रांतिकारी की महानता किसी पार्टी विशेष के आधार पर तय की जाती रहेगी, सोचिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। बाकी आपको इस वीडियो के साथ क्या करना है वो आप पर निर्भर करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।